TV दो दिन में वीडियो खराब हो जाएगी सुबह समय हम लोग बेजिंग डोमेस्टिक कर रहे हैं जियान जाने का इंतजार कर रहे हैं हमारा जियान हाँ सोफी टेल में रहेंगे कौन सा फाइव नाइट्स रुकेंगे Five nights सोफी टेल Xi'an में और एट नाइट्स एक आफ्टर कॉन्फ्रेंस चलो कोई कोलैबोरेशन भी तो है ना करेंगे तो करेंगे कोलैबोरेशन करेंगे सही रिलाइजिंग का वर्क चल रहा है सभी लोग आ भी जाएंगे आप मेरे साथ भी आ जाएंगे स्कैपर भी आ जाएंगे आज ही सब पहुंचाएंगे हाँ स्टाइन को भी प्रोबेबली आज ही आ जाएंगे और जो कल कल पता नहीं किसकी फ्लाइट कितने हाँ कल कलकत्ता से है कल सुबह बिजनेस मीटिंग है मेरा वालमार्ट चलेंगे आज ही शाम तक बहुत नज़दीक है वालमार्ट के आगे एडिक्ट आदि मत कहिए जी एडिक्ट जहाँ कहीं वालमार्ट हुआ स्वीडन में खुल जाएगा स्वीडन में चला जाऊँगा आप कुल बुलाने लगते हैं वालमार्ट नाम सुनते ही चलो भाई वालमार्ट देखें नहीं भाई प्राइस कंपेयर करना है डॉलर में इंडिया में तो खुलने रुपये में मिलेगा वहाँ पर पॉलिटिशियन लोग ऐसे हैं कि वहाँ कुछ नहीं करेंगे वॉलमार्ट अगर इंडिया में खोल दें दो चार दस तो बहुत जनता को बहुत आराम मिले जनता के आराम के लिए कहाँ है सामान मिले हमको तो फिर वो हफ्ता वसूली कैसे करेंगे यही बात है हाँ वॉलमार्ट हफ्ता वसूली नहीं करने देगा नहीं तो लोकल ट्रेडर हैं उनसे हफ्ता वसूली करते हैं उनको जो मर्जी है एक अच्छी बड़ी दुकान आ जाए इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटी दुकानें ख़त्म हो जाएंगी ऐसा नहीं होता है ये देश को कंगाल बनाए हुए हैं करोड़ों पैसे करप्शन में खर्च हो जाते हैं और गरीब आदमी आज तक गरीब है गरीब होता जा रहा है तो ये काम सरकार की गड़बड़ी है बिल्कुल गड़बड़ी है करोड़ों दे देते हैं जो जाके बैठ जाती हैं औरतें कोई राज्यसभा की मेम्बर बन गई कोई कहीं की मेम्बर ये सब मेंबरों को करोड़ों करोड़ों दे देते हैं उनको पैसे क्यों देते हैं भाई जब वो कुछ काम करें उनको रिइंबर्समेंट करें ये नहीं कर रहा है ना नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार में यही कर दिया है नीतीश कुमार ने यही एक काम बहुत अच्छा कर दिया और सब राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मारामारी मची है अगर कोई फायदा ना हो तो कोई क्यों बनेगा वही बात है पैसे की बात है और पैसे लेके खुद खाते हैं ना कोई डेवलपमेंट करते हैं ना कुछ करते हैं हमें क्या है जी हम तो चाइनीज वॉलमार्ट में जाएंगे देखेंगे सामान ना खरीदेंगे और देख लिए खरीदेंगे चाइना में हर विदेशी दुकान है फ्रेंच है ब्रिटिश है अमेरिकन है कोई चाइना को नहीं है सारी दुकानें कितने बड़े बड़े मॉल हैं बहुत बढ़िया बनाया है चाइना पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे नहीं हो रहे हैं ना भारत में हमारे सब ऐसे वैसे जा रहे हैं इसीलिए हो रहा है जिनको खुद ज्ञान नहीं है कि क्या होना चाहिए लाइफ कैसी होनी चाहिए और दूसरों को क्या दे सकते हैं साधु महात्मा इतने बढ़ गए हैं साधु महात्मा रोज न्यूज़ पे आ रहे हैं टेलीविजन में दिखाए जा रहे हैं नहीं खुद ही उसी खुद वैसे हैं खुद नहीं जानते कि अच्छी लाइफ होती क्या है क्या